सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। आज आईआईटी मद्रास पहुंचेंगे पीएम मोदी। सिंगापुर भारत हैकेथन 2019 के विजेताओं को करेंगे सम्मानित। आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में भी लेंगे हिस्सा। यूपी में 11 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। भाजपा के सभी प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। प्रतापगढ़ सीट पर फिलहाल नाम घोषित नहीं, अपना दल के खाते में जा सकती है सीट। रामपुर में सपा ने आजम की पत्नी को बनाया उम्मीदवार। 5 और सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। चिन्मयानंद मामले में पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस आज शाहजहांपुर से लखनऊ तक निकालेगी पदयात्रा। 180 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय सिंह लल्लू। चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की भी जमानत अर्जी पर सुनवाई। दोनों फिलहाल जेल में। दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए प्रणव अंसर की लखनऊ में हुई कोर्ट में पेशी। लंदन जाने की फिराक में था प्रणव। अंसर ग्रुप के मालिक सुशील और बेटे प्रणव पर दर्ज है फ्रॉड के मुकदमे। शाहबेरी में एक महिला बिल्डर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मनु टंडन नाम की बिल्डर पर लगा गैंगस्टर एक्ट और एनएसए पहले से फरार है मनु का पति। सहारनपुर में दिखा बारिश का खौफनाक मंजर। शाकुंभरी देवी मंदिर के बाहर सड़क पर बह रही है उफनती नदी। नवरात्र मेला किया गया स्थगित तो कई गाड़ियां बही। मारुति सुजुकी की नई कार एस्प्रेसो आज होगी लॉन्च। मारुति कंपनी की सबसे कम दामों में से एक है कार। रेनो की क्विड से एस्प्रेसो का होगा मुकाबला। शुरुआती कीमत 4 लाख रुपए। देशभर में शारदीय नवरात्र की धूम। 9 दिनों तक होने वाली पूजा का आज दूसरा दिन। आज हो रही है मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।